Academy. I am Vishwajit Paul Budde. Okay, or in last video we had discussed about the different stages of a river, like youth natural or उसमें कैसे कैसे erosion होता है, how many types of erosion, like lateral, vertical erosion, or what is the that record as the what is the hydraulic gradient, what is the discharge, जो भी हमने पिछले video में discuss किया था, you can also see the previous video. Okay, so आज हम discuss करने वाले हैं कि there is a different type of landforms like erosional or depositional landform are occurring in your river different type of stages like youth mature or old जो river के river होती है इसमें कौन कौन से landform हमें देखने को मिलेंगे. Okay, so हम अभी start करते हैं. ये तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि there is a different type of erosions like what is attrition and so on, आप ये पिछले वीडियो में देख सकते हैं. So today we are going to discuss about the different type of landform are occurring in your youth and mature stages of river. एंड अगर वीडियो अगर जल्दी कंप्लीट हो तो और कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज यूथ स्टेज, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि द वैली डेवलप इज द दस डीप एंड नैरो एंड डिस्टिंक्टली वी शेप विद नो फ्लड प्लेन्स और विद अ वेरी नैरो फ्लड प्लेन. इसमें क्या होता है कि जो भी यूथ स्टेज जो वैली होती है वहाँ आपका क्या होता है वर्टिकल इरोजन जाता है कंपेयर टू द लैटरल इरोजन. ओके, सो द जो भी आपके यहाँ वी शेप वैली बनेगी वो डीप होगी, नैरो होगी एंड डिस्टिंक्टली उसका शेप जो होगा वो वी शेप होगा. और देर इज अ नो फ्लड प्लेन्स विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स, यहाँ जो फ्लड प्लेन बनेंगे बहुत नैरो बनेंगे और बहुत कम ही फ्लड प्लेन यहाँ बनते हैं, फ्लड प्लेन नहीं होते ज्यादातर आपकी यूज से ऑफ द रिवर में. डाउन कटिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर द लैटरल इरोजन. तो मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल इरोजन अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो प्लीज अगर आप यहाँ ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज पिछले वीडियो देखिए जिससे आपको सब ये कंसेप्ट समझ में आएंगे. ठीक है, डाउन कटिंग यहाँ जो होगी वर्टिकल इरोजन जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द लैटरल ओरिजन, बोले तो वही एब्रेजन. स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस, स्वैम्स एंड लेक्स. तो आपको यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्शेस इन्वायरमेंट मिलेगा, स्वैम्प इन्वायरमेंट मिलेगा. मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द मार्श एंड सॉरी व्हाट इज द मार्श एंड स्वैम्प इन्वायरमेंट. एंड सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर विच आर डेवलप इन दिस स्टेजेस आर लाइक गॉर्जेस, कैनन्स, वाटरफॉल, रैपिड्स एंड रिवर कैप्चर. So there is also different type of landform you get in your youth stage, like a gorges, a canyon, say what is a waterfall, how they are formed, what is the rapids, what is the cataract, or not only this only landform are occurring or number of landform are occurring in your youth stage, वो हम one by one देखेंगे. ठीक है, so youth stage जहाँ आपका down cutting ज़्यादा होती है, vertical horizon ज़्यादा होता है compared to the lateral horizon, और यहाँ आपको marshes and swamp environment ज़्यादा देखने को मिलेंगे. There is no also flood in your youth stage. तो ये मार्शेस इन्वायरमेंट क्या है? ओके, वन मिनट. जो भी आपका मार्शेस इन्वायरमेंट होता है, सो मार्श इन्वायरमेंट क्या होता है कि अगर आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, यू कैन सी जहाँ भी आपको ये मार्शेस इन्वायरमेंट मिलता है तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास जो ग्रास मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, एकदम शॉर्ट ग्रासेस यहाँ मिलते हैं. ठीक है, दैट वी कॉल एज द मार्श इन्वायरमेंट. मेन डिफरेंस बिटवीन द मार्श एंड स्वैम्प, द मार्श हैज अ शैलो वाटर दैट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ अ सॉफ्टर एंड नॉन वुडी प्लांट, वेयर स्वैम्प हैज अ स्लो मूविंग एंड डीप वाटर दैट हेल्प्स टू ग्रोथ फॉर वुडी प्लांट्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका मार्शेस इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होगा कि आपको द ग्रोथ ऑफ अ सॉफ्टर, जहाँ भी आपकी शैलो वाटर बॉडी होंगी और वहाँ आपको जो ग्रोथ होंगी ये डिफरेंट जो वेजिटेशन है ये बहुत स्मॉल ग्रोथ होगी लाइक ग्रासेस एंड देट आर ऑकरिंग योर शैलो वाटर बॉडी एंड देट आर वेरी सॉफ्टर एंड नॉन वुडी प्लांट होंगे वो. आप यहाँ देख सकते दिस इज नॉट अ वुडी. वही अगर आप स्वैम्प इन्वायरमेंट देखोगे देट आर अ स्लो मूविंग ओके डीप वाटर दैट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ वुडी प्लांट्स. तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डीप वाटर होगा और वहाँ आपको वुडी प्लांट देखने को मिलते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ योर वेट लैंड ओके जो आपको यूज स्टेज ऑफ रिवर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं. ओके, और जब हम आते हैं लैंड फॉर्म्स की तरफ, देर इज थ्री स्टेजेस ऑफ लैंड फॉर्म लाइक सॉरी स्टेजेस ऑफ रिवर, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड. ओके, तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने मेरे नोट से दिया है कि यूथ स्टेज में आपको क्या क्या मिलता है, गॉर्जेस मिलते हैं, कैनन्स, वी शेप वैली, वाटरफॉल, रैपिड कैटराइट्स, रिवर कैप्चर्स, स्पर एंड पॉटहोल्स. ओके, वही अगर आप मैच्योर स्टेज में आते हो तो मैच्योर स्टेज में आपको मीएंडरिंग मिलता है, एल्यूएल फैन मिलता है, एल्यूएल कोन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एल्यूएल फैन और कोन ये भी हम देखेंगे. और जो ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर होता है उसमें आपको वाइड मीएंडरिंग मिलती है. देखो, मीएंडरिंग आपको मैच्योर स्टेज में मिलेगी और आपको ओल्ड स्टेज में भी मीएंडरिंग मिलती है. और वो जो लैंडफॉर्म है ये बहुत इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है. इरोजनल बोले तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है व्हाट इज इरोजन एंड व्हाट इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो डिपोजिशन से फॉर्मेशन होते हैं और जो इरोजन से फॉर्मेशन होते हैं. दिस इज अ बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ अ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफर इन अ वेरियस स्टेजेस ऑफ रिवर.
या आपको फ्लड प्लेन मिलेगा, बैक स्वाम मिलता है, व्हाट इज द नेचुरल डीबी, व्हाट इज याजू ट्रिब्यूटरी एंड सो ऑन, व्हाट इज द क्रिवेसेस प्ले, ये हम फोर्थ स्टेज में देखेंगे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले यूज स्टेज में आपको क्या क्या मिलता है। ओके, सो यूज स्टेज में आपको फर्स्ट लैंड फॉर्म मिलता है आपका, दैट वी कॉल्ड एज द आई शेप वैली। भी इसको हम इसको मिलते हैं कि हमें गॉर्जेस मिलेंगे, कैनन्स मिलेंगे, वी शेप वैली मिलती है, फिर इंटरलॉकिंग स्पर मिलता है। ओके, लेकिन इससे पहले कुछ इरोजन के टाइप्स है वो भी हम देखना चाहेंगे कि व्हाट इज इरोजन, फ्लेवल इरोजन कैसे कैसे होता है। ओके, ओके, सो देयर इज, उससे पहले हम देखेंगे कि फ्लेवल इरोजन में क्या क्या होता है, जैसे कि कुछ रील्स गली और कुछ लैंडफॉर्म है। ओके, वो हम पहले देखेंगे और फिर जाते हैं हमारे डिफरेंट यूज स्टेज के, लाइक व्हाट इज वाटरफॉल एंड सो। सो जैसे हमारा इरोजन मैंने आपको बताया था, वैसे ही एक इरोजन होता है जहाँ आपका ये इरोजन आपको डिफरेंट आपके रिवर फ्लूअल फ्लूअल लैंडफॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये जो इरोजन होगा, देयर इज थ्री टाइप डिस्टिंक्ट कैटेगरी। एक रेन स्प्लैश इरोजन होता है, शीट इरोजन होता है और रिल इरोजन होता है। सो इन शॉर्ट, रेन स्प्लैश इरोजन क्या है, ऑकर्स विद द इंपैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप लूजन अ मोबिलाइज पार्टिकल। ओके, इसमें क्या होगा, आपका जो जो इरोजन होता है, जो भी आपका रेनफॉल होगा यहाँ, आफ्टर द रेनफॉल यहाँ क्या होता है कि आपके जो बिकॉज ऑफ द जो रेन ड्रॉप आपके फॉल होगा, तो आपको मालूम है कि आपका जो रॉक होता है, एक रॉक के ऊपर आपके डिफरेंट सॉइल लेयर होती है। ओके, अगर इस पर अगर बारिश आके यहाँ गिरती है या रेन ड्रॉप आके गिरता है, तो ये जो इधर की सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये मोबालाइज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आपके ये रेनफॉल के ड्रॉप है, और ये अगर रेनफॉल ड्रॉप यहाँ फॉल हो रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके जो सॉइल पार्टिकल है, जो एक्सपोज टॉप सॉइल है, इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं और कहीं जो जाके यहाँ के डिपॉजिट हो रहे हैं। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल्ड एज द रेन स्प्लैश इरोजन, ऑकर्स व्हेन द इंपैक्ट ऑफ अ रेन ड्रॉप लूजन्स एंड मोबिलाइज द पार्टिकल। ओके, उसे हम रेन स्प्लैश इरोजन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि शीट इरोजन इज द प्रोसेस वेयर द पार्टिकल लूजन्स एंड बाय अ रेन स्प्लैश इरोजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय रन ऑफ वाटर डाउन द स्लोप ऑफ द सर्फेस। तो अगर आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको कहा था कि दिस इज अ स्प्लैश। तो स्प्लैश का मीनिंग क्या है, अगर यहाँ बारिश गिरती है, अगर यह डिफरेंट टाइप ऑफ रेन ड्रॉप गिरते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ की यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल है, ये मोबालाइज हो जाते हैं, ये टूवर्ड्स आपके डीप की तरफ फ्लो। ठीक है, जब ये डीप की तरफ फ्लो होते हैं, जब ये रेन स्प्लैश हो जाएगा यहाँ, तो क्या होगा, जो भी आपके मोबालाइज पार्टिकल, ये नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, और फिर यहाँ क्या होगा, अगर आप डेफिनेशन वाइज देखते हो तो यहाँ क्या बता रहा है कि अ प्रोसेस बाय पार्टिकल लूजन बाय अ रेन स्प्लैश इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय रन ऑफ वाटर डाउन द स्लोप ऑफ द सर्फेस। ओके, वही वो कह रहा है, जो भी आपके यहाँ जो आपके सॉइल पार्टिकल मोबालाइज हुए हैं, वो क्या होंगे, आपके यहाँ डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होंगी, और एज अ लाइक यहाँ लाइन्स क्रिएट होते हैं, दैट लाइन्स भी कॉल्ड एज द शीट इरोजन, हम उसे कहते हैं। ओके, तो दैट पर्टिकुलर सेकेंड थिंग भी कॉल्ड एज द शीट। आप यहाँ भी देख सकते हो कि आपका यहाँ अगर बारिश गिरती है, तो यहाँ आपके जो डिफरेंट लाइन्स क्रिएट हो रही है, दैट लाइन्स और दैट टाइप ऑफ इरोजन जो यहाँ से मोबालाइज हुए और इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ टूवर्ड्स द डीप, ओके, उसे हम शीट इरोजन कहेंगे। और थर्ड है दैट वी कॉल्ड द रील इरोजन, ऑकर्स व्हेन द वाटर कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग द शीट इरोजन एंड इरोड्स स्मॉल रील्स और गलीज इन टू द सर्फेस दैट चैनल फ्लो डाउन स्लोप। तो ये कहना क्या चाहता है, अगर आप यहाँ डायग्राम अच्छी तरह से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके यहाँ से जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से रीमोबालाइज हुए थे स्प्लैश इरोजन से, फिर शीट इरोजन से ट्रांसपोर्ट हुए, और फिर उन्होंने एक स्मॉल लाइक एक डिप्रेशन तैयार किया। ओके, सो दैट डिप्रेशन वी कॉल्ड एज द रील्स एंड गलीज। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रील्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये छोटे छोटे, यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका सॉइल, इस पे आपको एक छोटे छोटे से नैरो डिप्रेशन लाइक तैयार हुए, दैट वी कॉल्ड एज द रील्स। ओके, जो क्या हुआ है, यहाँ से वाटर बॉडी आई, वाटर ने इसको थोड़ा सा इरोड किया, और यहाँ छोटे छोटे से एक नैरो एक डिप्रेशन तैयार किया, इट इज इलोंगेटेड नैरो डिप्रेशन। ओके, दैट वी थिंक वी कॉल्ड एज द दैट वी कॉल्ड एज द रील्स। अगर ये रील्स अगर बड़ी होती है तो वो कन्वर्ट होती है आपके गली में, अगर गली अगर और लार्ज होती है, दैट वी कन्वर्टेड इन द रिवाइन, अगर रिवाइन और लार्ज होता है, दैट वी कन्वर्टेड इन द बैड लैंड। ओके, और फिर आपका आता है गॉर्जेस और क्या है, ये हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, सो वही उन्होंने क्या दे रहे थे, थ्री टाइप्स ऑफ इरोजन, लाइक पहला होता है आपका रेन स्प्लैश इरोजन। ओके, फर्स्ट आपका रेन स्प्लैश है, देन आपका शीट इरोजन होगा, देन आपका रील फॉर्मेशन होंगे, रील बड़ा हो जाता है तो गली फॉर्मेशन होती है। ओके, सो वैसा उन्होंने कहा है कि स्प्लैश, रेन स्प्लैश मैंने कहा, समझा आपको व्हाट इज द शीट एंड व्हाट इज द रील्स। तो अगर हम और इसको रील्स और गली को डिटेल में देखते, तो रील क्या है कि रील इज अ शैलो
channel in some soil created by the erosion of a flowing water. ओके okay, शैलो सॉइल है, अगर आपकी शैलो सॉइल है जैसे मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया था, तो अगर वो उसको वाटर अगर इरोड करता है, ओके दैट इज अ शैलो चैनल, जो भी होगा इट इज वेरी शैलो और इट इज वेरी नैरो. ओके रील्स कैन जनरली बी इजीली रिमूव बाय द सॉइल एंड व्हेन द रील्स गेट लार्ज इनफ टू दैट दे कैन नॉट इजीली बी रिमूव दे नोन एज द गली. तो मैंने वही कहा आपको कि रील्स अगर लार्ज होती है, अगर ये रील्स है, अगर ये और लार्ज होती है तो लैस लार्ज बी कॉल्ड एज द गली. ओके सो उसे हम गली कहते हैं. देन आपका रिवाइन, रिवाइन क्या है, रिवाइन इज अ लैंडफॉर्म दैट नैरोअर देन द कैनायन एंड ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रीम बैंक इरोजन. उन्होंने क्या कहा है कि जो रिवाइन होता है इज अ लैंडफॉर्म दैट नैरोअर देन द कैनायन एंड ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रीम इरोजन. ओके तो रिवाइन क्या है, रिवाइन इज अ लैंडफॉर्म दैट नैरोअर देन द कैनायन ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रीम बैंक इरोजन. तो रिवाइन क्या है, रील जो होती है फिर गली फॉर्मेशन होंगी अगर वो ब्रॉड होती है तो, अगर गली ब्रॉड होती है तो आपका रिवाइन फॉर्मेशन होता है. ठीक है तो रिवाइन लैंडफॉर्म क्या, इट इज नैरोअर देन द कैनायन. अगर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई होगी इन लास्ट जो ये था कि मैंने आपको बताया पहले रील फॉर्मेशन होगा देन गली होगी देन रिवाइन होगा देन गॉर्जियस एंड कैनायन. ये गॉर्जियस एंड कैनायन इट इज अ वेरी लार्ज लैंडफॉर्म्स कंपेयर टू द रिवाइन. तो वही वो कहना चाहते हैं कि जो रिवाइन जो लैंडफॉर्म होगा इट इज नैरोअर देन द कैनायन एंड ऑफन प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रीम बैंक इरोजन. जो भी आपकी स्ट्रीम होती है ये इरोड करती है और बिकॉज ऑफ दिस इरोजन, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो सॉरी लास्ट बताया था कि व्हाट इज अ स्ट्रीम बैंक इरोजन, व्हाट इज अ रेन स्प्लैश वगैरह. ठीक है तो ये जो स्ट्रीम बैंक इरोजन इरोड करती है तो उससे हमारा रिवाइन फॉर्मेशन होता है. रिवाइन्स आर टिपिकली क्लासिफाइड एज लार्जर इन अ स्केल देन द गलीज ऑल्दो स्मॉलर देन द वैलीज. तो बराबर है कि आपका जो गली होगा गली से ये थोड़ा सा लार्जर होगा एंड आपका जो वैली दे इससे थोड़ा स्मॉलर होगा. ओके तो आपके खाली इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना है, पहले रील्स आएगी, गली आएगी, रिवाइंस आएगा जैसे यहाँ दिखाया है, फिर बैड लैंड, फिर गॉर्जियस एंड कैनायन. तो आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. सो देन व्हाट इज अ बैड लैंड, बैड लैंड इज अ टोपोग्राफी आर टाइप ऑफ अ ड्राई टेरेन वेयर सॉफ्टर सेडिमेंटरी रॉक एंड क्ले रिच सॉइल हैव बीन एक्सटेंसिवली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर. ओके ऐसा टेरेन है, ये ड्राई टेरेन है, इन दैट पर्टिकुलर टेरेन वी गेट अ डिफरेंट सॉफ्टर सेडिमेंटरी रॉक एंड क्ले रिच सॉइल विच हैव एक्सटेंसिवली इरोडेड विंड एंड वाटर. ये आपका होता है बैडलैंड, इसकी थोड़ी हाइट भी ज्यादा होती है और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको लेयर बाय लेयर सेडिमेंटरी रॉक दिख रहे हैं. और ये ऐसा टोपोग्राफी क्यों फॉर्मेशन होती है, बिकॉज ऑफ द योर इरोजन ऑफ विंड एंड वाटर का बोथ ऑफ इरोजन होता है, उससे आपका बैडलैंड फॉर्मेशन होता है. ओके सो दिस इज अ डिफरेंट रील गलीज रिवाइंस होटल रेल स्प्लैश इरोजन ही हमने देखा. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूज स्टेज में हमें कौन कौन से लैंडफॉर्म मिलते हैं. सो इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट लैंडफॉर्म है आपका आई शेप वैली, उसे हम कहते हैं गॉर्जियस. ओके सो व्हाट इज मीन बाय गॉर्जियस, व्हेन द साइड्स ऑफ अ वैली इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड देन फॉर्म अ आई शेप एंड हेंस दिस वैली इज नोन एज द आई शेप वैली. अगर आप यहाँ डायग्राम नीचे देख रहे हो तो आप यह देख सकते हो, ये आपका पूरा ऊपर का पूरा फ्लैट है और नीचे का भी जो विड्थ है ये भी फ्लैट, तो यहाँ ऐसा आई शेप तैयार होता है. ओके इसको हम आई शेप वैली और गॉर्जियस कहते हैं एंड गॉर्जियस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ वी शेप वैली. हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके साइड जो साइड हो गए ऑलमोस्ट एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. ओके और वो आई शेप तैयार करते हैं. ठीक है एंड दिस वैली वी नोन एज आई शेप. गॉर्जियस इज अ डीप एंड नैरो वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड. वही कहा मैंने कि डीप एंड नैरो वैली होगी, ये जो भी वैली होगी ये नैरो वैली है, डीप है और उसके जो साइड है वो स्ट्रेट है. और गॉर्जियस इज ऑलमोस्ट इक्वल इन फिट एज अ टॉप एज वेल एज बॉटम. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको अब जब कैनन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा. इसकी जो विड्थ है, जो टॉप लेवल पे जो विड्थ है, अगर ये यहाँ देखोगे तो ये टॉप लेवल हुआ आपका कंसिडर किया और ये नीचे वाला ये बॉटम लेवल हुआ. तो जो भी टॉप लेवल की विड्थ थे एंड जो भी आपके बॉटम लेवल की विड्थ थे दे आर इक्वल. ओके तो उसे हम गॉर्जियस कहते हैं. अगर ये अनइक्वल होती है सो दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म वी कॉल्ड एज द कैनायन. ओके और गॉर्जियस जो होते हैं आर फॉर्म इन अ हार्डर रॉक्स. आपको जो ज्यादातर गॉर्जियस आपको हार्डर रॉक में देखने को मिलते हैं. ओके एंड एग्जाम्पल्स ऑफ गॉर्जियस इज इंदर गॉर्जियस इन कश्मीर. तो जो इंडस रिवर है उसके वजह से जो फॉर्मेशन होता है ये लैंडफॉर्म हमारा दैट वी कॉल्ड एज द गॉर्जियस जो हमें कश्मीर में दिखी जाती है. ठीक है सो दिस इज अ बेसिकली आई शेप वैली
गॉर्जेस इधर जो डीप होता है जिसके साइड वॉल रॉक्स डीप होंगे ओके वो साइड वॉल स्टीप है और वो जो उसके विड्थ होगा वो टॉप टू बॉटम एकदम सेम होता है, टॉप एंड बॉटम विड्थ इज द सेम, इसलिए हमने उसको गॉर्जेस कहा एंड दैट वी ऑल्सो कॉल्ड इज द आई शेप एन। होप्स आपका क्लियर हुआ होगा। देन कैनन है, कैनन इज ऑल्सो यूज स्टेजल लैंड फॉर्म। कैनन इज अ वेरियंट ऑफ गॉर्जेस, थोड़ा सा वेरिएबल होता है गॉर्जेस से। अगर आप यहाँ देखोगे डायग्राम और ये डायग्राम तो फर्क दिख रहा होगा आपको। अनलाइक अ गॉर्जेस, अ कैनन इज अ वाइडर एट इट्स टॉप दैट इट्स बॉटम। तो जैसे मैंने कहा था लास्ट में जी हमारा कैनन सॉरी गॉर्जेस का कि बोथ टॉप एंड बॉटम में इक्वल था जिसका विड्थ, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो इसका विड्थ क्या है, यहाँ टॉप लेवल पे ज़्यादा है लेकिन जैसे जैसे आप बॉटम लेवल पे जा रहे हो वैसे वैसे आपका विड्थ यहाँ क्या हो रहा है, नैरो नैरो होते जा रहा है और इट इज नॉट इक्वल ओके। सो कैनन इज वाइडर एट द टॉप एंड नैरोर एट द बॉटम। कैनन इज अ कैरेक्टर बाय द स्टीप स्टेप लाइक साइड्स ऑफ अ स्लोप। जो भी यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या होता है कि स्टीप लाइक साइड स्लोप होता है या स्टीप साइड स्लोप होगा। यहाँ आप अगर यहाँ देखोगे तो ये स्टीप साइड स्लोप है ठीक है, आपको ऐसा कैनन में देखने को मिलता है। कैनन्स आर कॉमनली फॉर्म इन अ हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंटरी रॉक। आपको जो कैनन्स मिलते हैं जो भी एग्जाम्पल है दैट इज अ ग्रैंड कैनन काव बाय द कोलोराडो रिवर इन यूएसए, कोलोराडो नाम की रिवर है यूएसए में, वहाँ आपको द फेमस एग्जाम्पल इज अ ग्रैंड कैनन हम उसे कहते हैं दैट आर कहा फॉर्मेशन होता है, वो कोलोराडो रिवर में फॉर्मेशन होता है यूएसए में। तो वहाँ भी जो है ये जो भी आपको कैनन्स मिलते हैं ये कैनन्स आपको सेडिमेंटरी रॉक में जो हॉरिजेंटली बेडेड सेडिमेंटरी रॉक होता है, अगर आप यहाँ देख सकते हो दिस इज अ हॉरिजेंटली बेडिंग, हॉरिजेंटली बेडिंग ऑफ सेडिमेंटरी रॉक होता है, आपको कैनन वहाँ मिलते हैं। इसके वजह से वो यहाँ क्या होगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ इरोजन जो होता है इट इज नॉट क्या बोले कि इक्वली होगा ओके। इसके वजह से आपको ये जो आपका टॉप है ये थोड़ा वाइडर देखने को मिलता है कंपेयर टू द बॉटम ओके। सो दिस वी कॉल्ड एज द कैनायंस एंड कैनायंस आर फॉर्म इन योर यू सॉरी यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर ओके। सो एग्जांपल ऑफ कैनन इज योर कोलोराडो रिवर ओके। नेक्स्ट आपका वी शेप वैली क्या होती है, तो ये सब होने के बाद आपकी वी शेप वैली फॉर्मेशन होगी। द रिवर इज अ स्विफ्ट इट डिसेंड एंड स्टीप स्लोप एंड द प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ रिवर इज अ वर्टिकल कोरेज। तो आपको मालूम है वी शेप वैली फॉर्मेशन का बुद्धि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तीन स्टेजेस मैंने बताई है। द रिवर यूजेस इट्स लोड टू कट डाउन इनटू द बेड रॉक एंड कॉजिंग द वर्टिकल इरोजन। सो मैंने आपको कहा था कि जो आपकी रिवर होती है रिवर में आपके नॉट ओनली द वाटर, इसमें आपके सेडिमेंट भी होते हैं जो आपको जो रिवर फ्लोइंग होती है इरोड करते चलते हैं आपके सर्फेस को। तो रिवर वही उन्होंने कहा कि रिवर क्या करती है, वो नॉट ओनली द वाटर दे ऑल्सो यूजेस द लोड टू कट डाउन द सॉरी टू कट डाउन द वर्टिकल ओके। तो वर्टिकल इरोजन करने के लिए उसका लोड भी काम आता है जो आपके सरफेस आपको रिवर बेड को कट करता है ठीक है, कॉजिंग द वर्टिकल इरोजन। लूजर मटेरियल इज वॉश इनटू द रिवर इंक्रीजेस द लोड एंड देयरफॉर इट्स एबिलिटी टू इरोड ओके। तो जितना अमाउंट ऑफ आपको वर्टिकल इरोजन होता है यहाँ जितना अमाउंट ऑफ वर्टिकल इरोजन होगा उतना अमाउंट ऑफ आपके साइड वॉल रॉक के जो इरोजन किया है आपके जो सेडिमेंट ने जो भी साइड वॉल रॉक के जो वेदरिंग हुई है डिसइंटीग्रेट हुए पार्टिकल वो आपके कहा जाएगा आपके चैनल में जाएगा रिवर के और ज्यादा इरोजन होगा यहाँ ठीक है। जितना ज्यादा आपका लोड जितना ज्यादा आपका सेडिमेंट रिवर में जाता है उतना ज्यादा हमेशा रिवर इरोजन होते रहता है, बिकॉज ऑफ द जितना ज्यादा इरोजन होगा उतनी ज्यादा आपकी लार्ज वी शेप पहले आपको देखने को मिलती है ओके। एंड लास्ट क्या बताया, विद टाइम ऑफ द रिवर द डायरेक्ट इट्स एनर्जी इन टू द इरोडिंग द वैली लैटरली एंड द होल प्रोसेस देन रिपीट्स इटसेल्फ। तो क्या होगा विद द टाइम क्या होगा, रिवर डायरेक्ट लीड्स एनर्जी, रिवर डायरेक्ट इट्स एनर्जी इन टू द इरोडिंग वैली लैटरली। तो क्या होता है फिर आपकी रिवर जो होती है वो लैटरली थोड़ी बहुत कट करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जब मैच्योर स्टेज में आएंगे तो लैटरली कट करती है, लेकिन अगर यहाँ कुछ देर बाद क्या होता है कि रिवर थोड़ी सी लैटरली कट करती है लेकिन नॉट लाइक वर्टिकल तो ज़्यादा कट करेगी कंपेयर टू लैटरल, पर बिकॉज ऑफ द लैटरली थोड़ी सी आपकी वी शेप पहले थोड़ी सी वाइडेंस हो जाती है ओके। तो वही उन्होंने कहा है द वैली डेवलप इट्स अ डीप नैरो एंड डिस्टिंक्टली वी शेप, जो भी आपका होगा वो वी शेप होगा एंड दैट आर फॉर्म टू द वर्टिकल कोरेजन प्रोसेस। पहले वो बहुत नैरो वैली इसे आप गॉर्जेस भी कह सकते हो, देन फिर ये थोड़ी बड़ी हुई और फिर ये थोड़ी बड़ी हुई ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वी शेप वैली है, ये आपको पता होने चाहिए कि लाइक पहले गॉर्जेस आएगा देन कैनन्स आएंगे देन वी शेप वैली आती है अकॉर्डिंग टू द साइज और अकॉर्डिंग टू द इरोजन कैसे कैसे होता है क्या होता है, मैंने आपको ये सब बताया है। सो दिस थ्री टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म वी कॉल्ड एज द वी शेप वैली हम इसे कहते हैं ठीक है। देन
आपका नेक्स्ट लैंडफॉर्म है, ये आप देख सकते हो, यहाँ वी शेप वैली होती है, दिस इज योर वी शेप वैली। देन आपका इंटरलॉकिंग स्पर, सो इंटरलॉकिंग स्पर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ हाई लैंड दैट अल्टरनेट फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ अ वी शेप वैली। तो इसमें क्या होता है, दैट इज अ वन लैंडफॉर्म वी कॉल्ड एज द स्पर। क्या कहते हैं हम इसे, स्पर कहते हैं। तो स्पर क्या होता है, यह आपका अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होता है। जैसे कि यहाँ आपका हार्ड रॉक है, ठीक है, यहाँ आपका सॉफ्ट रॉक होगा, या आपका हार्ड रॉक है यहाँ सॉफ्ट रॉक होगा, या आपका हार्ड रॉक है यहाँ सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है, यही इधर साइड में यहाँ आपका हार्ड रॉक है सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है सॉफ्ट रॉक है। तो ये स्पर क्या होता है, ऐसा लैंडफॉर्म होता है, हाई प्रोजेक्शन वाला लैंडफॉर्म होता है, हाई हाइट वाला लैंडफॉर्म होता है, हाई, इसको हिल कह सकते हैं हम, दैट वी कॉल्ड एज द स्पर। जो भी आपके अल्टरनेट हार्ड रॉक के जो लैंडफॉर्म या अल्टरनेट हार्ड रॉक के जो माउंट से आपको वहां दिख रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज द स्पर। तो जो भी यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है आपके अपर कोर से, तो ये क्या करती है, जो भी आपका सॉफ्ट वाला जो पार्ट है, सॉफ्ट वाला जो हार्ड रॉक है, उसको कट करेगी और आगे जाएगी। हार्ड वाले रॉक को तो नहीं कट कर सकती है, तो फिर आगे जाएगी सॉफ्ट रॉक को कट करेगी, फिर आगे जाएगी हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक को कट करेगी, देन आगे जाएगी सॉफ्ट रॉक को कट करेगी। तो यहाँ क्या होता है, एक मेंडरिंग लाइक फॉर्मेशन होता है, बट दैट नॉट वी कॉल्ड एज द मेंडरिंग। ओके, दैट पर्टिकुलर zigzag पैटर्न इज अ फॉर्म ड्यू टू द योर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक आर फॉर्मेड और स्पर लैंडफॉर्म अल्टरनेट हार्ड रॉक हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक आर ऑकर इन योर कहा आपके जो यूथ स्टेज ऑफ रिवर में होगा, ठीक है। तो इसे मेंडरिंग कहते हैं। बेसिकली मेंडरिंग हम जब देखेंगे तो मेंडरिंग कहाँ डेवलप होती है, आपके मैच्योर स्टेज में डेवलप होती है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे मेंडरिंग डेवलप होती है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिए। एंड ये होता है इंटरलॉकिंग, बोले तो इंटरलॉकिंग स्पर है, लॉक है एक दूसरे में से, जिसको इंटरलॉकिंग स्पर कहा गया है। ओके, और यहाँ ऐसा क्या होगा, जो रिवर आएगी सॉफ्ट रॉक को कट करेगी और zigzag पैटर्न बनाएगी। इट इज रिजेंबल लाइक अ मेंडरिंग, बट वी डोंट कॉल दैट इज अ मेंडरिंग, दैट आर फॉर्म्ड टू द योर अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ओके, ये प्रोजेक्शन आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द स्पर, सो यू हैव टू नो दैट इज डिफरेंट माउंट्स ऑफ अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माउंट रिवर गेट क्या होती है, वहां से ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो इसे हम इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। देन हमारा लैंडफॉर्म है नेक्स्ट, दैट वी कॉल एज अ वाटरफॉल एंड रैपिड। सो आपको मालूम है कि वाटरफॉल एंड रैपिड, यू नो अबाउट द वाटरफॉल, की वाटरफॉल इट इज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, लेकिन वाटरफॉल फॉर्मेशन कहते हो, वेन द रिवर प्लंज डाउन टू सडन फॉल ऑफ सम हाइट, दे कॉल्ड एज द रैप वाटरफॉल। सो एखादे हाइट जो होगी आपकी, ये अगर एखादे पर्टिकुलर बड़ी हाइट है, हाइट से अगर थोड़ा सा वाटर जो फॉल होता है नीचे, तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। कौन सी भी छोटी हाइट से हो या बड़े हाइट से हो, तो उसे हम वाटरफॉल कहेंगे। द ग्रेट फोर्स यूजुअली वियर्स आउट अ प्लंज पूल बेनीथ द वाटरफॉल आर फॉर्म बिकॉज द सेवरल फैक्टर्स लाइक अ रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रॉक लाइंग अक्रॉस द रिवर एंड द रिलेटिव डिफरेंस इन द टोपोग्राफी रिलीव्स इज कॉल्ड अ प्लेट। तो आपको बताओ ये मीनिंग, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाउ आर द वाटर आर फॉर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या होता है कि यहाँ भी आपका हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का थिंग इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस रॉक है, दैट इज हार्ड रॉक, और यहाँ नीचे आप देख रहे हो सॉफ्ट रॉक। तो कभी कभी क्या होता है, रिवर उसकी डायरेक्शन चेंज करी, या रिवर रिजेनरेटेड होती है, या बिकॉज ऑफ द योर स्टीपनेस रिवर वहां जाती है और यहाँ से फ्लो करती है टुवर्ड्स डीप साइड। तो आपको मालूम है यहाँ आपका हार्ड रॉक है ऊपर के साइड में और नीचे के रॉक में सॉफ्ट रॉक है। सो यू हैव टू नो कि जब भी आपका वाटर आएगा तो वो हार्ड रॉक उसको रेजिस्ट करेगा टू वेदरिंग, और जो भी ये वाटर अगर थोड़े हाइट से नीचे आता है तो यहाँ कुछ वर्लिंग करेगा, वर्लिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन मूवमेंट होगी, और ये जो वाटर है आपके सॉफ्ट रॉक को कट करते करते करते, इट इज नॉट लाइक बोले तो जल्दी हो जाएगा, इसको टाइम लगता है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा कट होगा ऐसा लाइक, फिर आपको ऐसा वाटरफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा सॉफ्ट रॉक अगर कट होता है, क्योंकि वाटर तो आते ही रहता है ना, तो वाटर क्या करेगा, कट करेगा, और आफ्टर दैट ये जो यहाँ आपको छोटा वाटरफॉल मिल रहा था, तो बाद में इसका ग्रेडियंट देखो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वाटर ने क्या किया कि पूरे आपके सॉफ्ट रॉक को कट किया। ओके, इरोजन सॉफ्ट रॉक रेयर सॉफ्ट रॉक, द सॉफ्ट रॉक इरोडेड डीपर एंड डीपर, अपना बिकॉज ऑफ द वाटर आपका सॉफ्ट रॉक जो होता है डीपर एंड डीपर इरोड होते चलता है, और फिर आपको ऐसा आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। ओके, सो केव एंड देयर इज ऑल्सो वन टर्म की केव बिहाइंड द वाटरफॉल। मैं आपको अभी ये बताऊँ कि केव कैसे फॉर्मेशन होती है बिलो द वाटरफॉल। ओके, आप ये वाटरफॉल देख सकते हो, और मैंने और एक डायग्राम लगाया, आप ये भी वाटरफॉल देख सकते हो। तो होता क्या है, अगर आप ये वाटरफॉल देखोगे तो यहाँ क्या होता है कि वाटर आता है आपका, ठीक है, डायरेक्ट वाटर यहाँ से नीचे आता है। तो पहले तो यहाँ, अगर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया होगा, तो पहले तो आपका ऐसा सॉफ्ट रॉक था,
लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ वाटरफॉल तो होता क्या है कि जो भी आपका वाटर यहाँ से आ जाए तो ये क्या करता है आपके सॉफ्ट रॉक को इरोड करते चलता है ऐसा, ठीक है। और ये जो थिंग होती है इसको हम कहते हैं नॉच। क्या कहेंगे हम इसे? वी कॉल इट इज अ नॉच। नॉच हम उसे कहते हैं बिकॉज वाटर जो होता है, वाटर क्या करता है, इसे तो इरोड नहीं कर सकता ना, इसको इरोड करते करते चलता है बिकॉज इज अर सॉफ्ट रॉक एंड दिस इज अर हार्ड रॉक। ओके, तो सॉफ्ट रॉक को इरोड इरोड करते चलता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल इज द नॉच, जो आपके आपके हार्ड रॉक के बिलो, और इसे हम केव भी कहते हैं, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जितना ये अंदर घुस जाए आपका नॉच, ओके, जितना ये अंदर घुस जाए तो ये लेवल पे प्रेशर आता है, ओके, क्योंकि अभी पहले डायग्राम में क्या था कि आपका सॉफ्ट रॉक क्या था तो इसको ये बैलेंस कर रहा था आपके जो हार्ड रॉक, लेकिन जब ये बहुत इसका इरोजन होता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपका जो हार्ड रॉक होगा इस पर आपका वाटर का जो डेंसिटी होती है बढ़ जाती है, और बिकॉज ये प्रेशर क्या हो जाता है, ये आपका पार्ट कट जाता है, ठीक है, और जो ये हार्डर रॉक्स होते हैं ये नीचे आके फॉल होते हैं, ठीक है। सो फिर वैसे ही प्रोसेस, फिर आपका हार्ड रॉक कटेगा, जितना भी ये आपका नॉच अंदर जाएगा उतना इधर प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ द वाटर, और ये हार्ड रॉक ये नीचे कट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि आपको वाटरफॉल पीछे 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 सरकता है, बोले तो नॉट ओनली इन वन डे, बहुत टाइम लगेगा उसको, ठीक है। सो ऐसा वाटरफॉल फॉर्मेशन होते रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो आपको मालूम होगा देयर इज वन नायगरा फॉल, सो यू नो दैट कि नायगरा फॉल इज आफ्टर जो होता है बहुत बड़ा वाटरफॉल है आपका नायगरा फॉल। सो वही उन्होंने किया है कि आपके नायगरा फॉल के उधर उन्होंने एक बैरियर लगाया है स्टील का ऐसा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, ये अब वाटर आएगा तो ये वाटर ये अंदर नहीं कट कर सकता, जैसे मैंने आपको इसको नॉच कहा, ठीक है। तो बिकॉज ये अंदर नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने क्या कहा, बड़ा सा एक बैरियर लगाया स्टील का, इसके वजह से ये अंदर क्या हो सकता है, ये ज्यादा इरोड नहीं करेगा आपके सॉफ्ट रॉक को, उसके वजह से नहीं तो वो वाटर फॉल पूरा का पूरा फॉल हो जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी बिग डिजास्टर ऑफ दैट एरिया, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फॉल रेजिस्टेंट रॉक होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर आपके यहाँ सॉफ्ट रॉक को कट करेगा, सो ओके। सो रिलेटिव रेजिस्टेंट रॉक लाइंग अक्रॉस द रिवर एंड द रिलेटिव डिफरेंस इन द टोपोग्राफी रिलीज। तो मैंने वही कहा आपको कि रिलेटिव रेजिस्टेंट बोला तो आपका हार्ड रॉक है, ओके, उसमें रिवर अक्रॉस जा रही है, एंड द रिलेटिव डिफरेंस इन द टोपोग्राफी बिकॉज ऑफ दिस वो सॉफ्ट रॉक नीचे कट करेगा तो आपको डिफरेंट हाइट का ग्रेडियंट का फर्क देखने को मिलता है। सो वॉट इज मीन बाय रैपिड? रैपिड इज अ सिमिलर फॉर्म ड्यू टू द एब्रप्ट चेंजेस इन द ग्रेडियंट ऑफ अ रिवर ड्यू टू द वेरिएशन इन अ रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ट्रांसफर्ड बाय द रिवर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रैपिड क्या होता है, अल्टरनेट, यहाँ अगर आप देखोगे कहा आपके वाटरफॉल में तो यहाँ हॉरिजॉन्टल अल्टरनेट है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो ये क्या है, इंक्लाइन हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो रिवर आपकी फॉर्मेशन हो रही है इसको अक्रॉस है, ये आपका कौन सा रॉक हुआ, ये आपका हार्ड रॉक हुआ, ये आपका सॉफ्ट रॉक हुआ, ये हार्ड रॉक हुआ एंड ये सॉफ्ट रॉक हुआ, ठीक है। तो जब रिवर यहाँ से फ्लो होगी तो क्या होगा, हार्ड रॉक इज अ रेजिस्टेंट रॉक, ओके। तो रिज ऑफ अ हार्ड रॉक क्रिएट्स अनइवन स्लोप दैट क्रिएट द रैपिड। वही बोल रहे वो कि जो सॉफ्ट रॉक ये ऐसा कट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका क्या बोलेंगे इसको, आपका जो हार्ड रॉक है वो हार्ड रॉक एज अ रिज फॉर्मेशन होगा, और रिज क्या होता है, रिज ऑफ हार्ड रॉक क्रिएट द अनइवन स्लोप, यहाँ आपको स्लोप क्रिएट होगा ना, क्योंकि आपकी जो रिवर हो रही है वो तो सॉफ्ट रॉक को कट करे तो यहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और ये हार्ड रॉक एज अ रिज आपको यहाँ मिल रहा है बिकॉज आपको क्या होगा, यहाँ एक स्लोप क्रिएट होगा, ओके, अनइवन स्लोप, दिस क्रिएट द रैपिड्स। वो क्या क्रिएट करते हैं, आपका रैपिड लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर आपने किसी ने रिवर ड्राफ्टिंग अगर सुना होगा तो ये रिवर ड्राफ्टिंग आपकी यहाँ की जाती है इन योर रैपिड्स और कैटरेक्ट में, आप आगे जाकर आपको बोलता हूँ व्हाट इज द कैटरेक्ट, ओके। सो ऐसे अगर अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक आपको देखने को मिलते हैं तो होगा क्या कि बिकॉज आपकी रिवर आएगी तो ये सॉफ्ट रॉक कट होगा, यहाँ डिप्रेशन तैयार हो जाएगा और ये एज ए रिज दिखेगा, तो यहाँ स्लोप का ग्रेडियंट का डिफरेंस आएगा, अनइवन स्लोप आएगा, और वो क्या क्रिएट करता है, आपका रैपिड्स क्रिएट करता है, एंड दैट रैपिड भी ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉल वाटरफॉल भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए व्हाट दे आर सी। जब इसका सेम एक थिंग है इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं, ओके। कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट्स आर द वाटरफॉल ऑन द लार्ज रिवर्स, ओके। जो भी आपको कैटरैक्ट मिलेंगे लार्ज रिवर को देखने को मिलते हैं। द टर्म कैटरैक्ट इज यूजुअली अप्लाइड टू सेक्शन ऑफ अ रैपिडली फ्लोइंग वेयर द रनिंग वाटरफॉल सडनली इन वर्टिकल। तो आपको अगर बताओ ये डायग्राम में तो आप यहाँ देख सकते हो, फास्टर रिजन रेट्स डिपन ग्रेडियंट स्पीड्स ऑफ द फ्लो वाटर इज इंक्रीज द टर्बुलेंट रैपिड्स।
मैं आपको कहा था कि रैपिड्स क्या होता है कि आपका यहाँ सॉफ्ट रॉक, यहाँ यहाँ है हार्ड रॉक, यहाँ है हार्ड रॉक, ठीक है। अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करो, यहाँ से वाटर आएगा तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द यहाँ अगर स्लोप का डिफरेंस आता है तो यहाँ क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा ना, बिकॉज अगर हाइट अगर डिफरेंट होती तो वहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होता है आपके वाटर का, और बिकॉज यहाँ की वेलोसिटी बढ़ती है, ज्यादा इरोजन होता है, ओके। लेकिन कैटरैक्ट और रैपिड्स में डिफरेंस क्या है कि कैटरैक्ट होता है ये तो लार्ज रिवर में होगा, एंड सेकेंड होता है जो भी आपका हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है, कैटरैक्ट में लार्जली स्पेस होता है, क्या होगा, लार्जली स्पेस होता है। वही अगर आप आपके रैपिड में जाओगे तो रैपिड में जो भी आपका हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होगा ये थोड़ा क्लोजली स्पेस होता है, ओके। तो होता क्या है, जितना आपका हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक में अगर लार्जली स्पेस है तो सॉफ्ट रॉक ज्यादातर इरोड होता है, इसीलिए यहां से जो भी वाटर फॉर्मेशन होगा ये वर्टिकली नीचे आके फिर ऊपर जाता है, ओके। देख अगर आपने रिवर राफ्टिंग की होगी तो देयर इज अ टू ये होता है कि आपको कुछ सिंपल रिवर राफ्टिंग होती है और कुछ बहुत डेंजरस रिवर राफ्टिंग होती है, कि अगर वहां आप लिख के भी लेते हो कि अगर अगर आप इसको कोई आपको इफेक्ट होता है, आप जाते हो वाटर में वापस नहीं आते हो तो दैट आर योर ओन रिस्क, ओके। सो जो भी डेंजरस आपके ये होता है क्या बोलते हैं कैटरैक्ट थिंग, जो रिवर ड्राफ्टिंग करते जो होता है तो वो आपका कैटरैक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ आपका बहुत डेंजरस होता है कि आप यहाँ नीचे जाओगे और ऊपर आते हो, इट इज नॉट गारंटी कि आप ऊपर आओगे, अभी दैट डिपेंड ऑन योर वाटर फ्लो कितना है, ठीक है। सो ऐसे आपका कैटरैक्ट फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक वो क्या होगा, आपका ज्यादा लार्ज स्पेस होगा, और रैपिड में क्या होगा, इट इज अ क्लोजली स्पेस, इट इज अ वेरी ओके, इट इज अ फेवरेबल फॉर द योर क्या बोलेंगे उसको, रिवर ड्राफ्टिंग के लिए, बट इट इज नॉट अनफेवरेबल, इट इज वेरी डेंजरस। तो जो भी कोई अगर कुछ ट्रेन होगा तो वो यहाँ से तो आ सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी डेंजरस, ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका कैटरैक्ट एंड आपके किसका वाटरफॉल का, ये बेसिक डिफरेंस है यार, रिवर रनिंग वाटरफॉल सडनली ना वर्टिकल, ओके, वर्टिकल वो आपको देखने को मिलेंगे, ओके। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन माई दैट पर्टिकुलर वीडियो। पॉट होल्स आर मोर और लेस सर्क्युलर डिप्रेशन फॉर्म ओवर द रॉकी बेड, तभी फिर नेक्स्ट आते हैं आपके दो लैंडफॉर्म दैट वी कॉल्ड द पॉट होल्स एंड देन प्लंज पूल, ओके। पॉट होल और मेस और लेस सर्क्युलर, आपको तो पॉट होल्स मालूम होगा, दे आर मोर और लेस सर्क्युलर डिप्रेशन फॉर्म ओवर द रॉकी बेड एंड हिली स्ट्रीम्स बिकॉज स्ट्रीम्स इरोजन एडेड बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट। तो होता क्या है कि पॉट होल्स आपके फॉर्मेशन होते हैं बिलो, जो भी आपके वाटरफॉल हो गए वहां के नीचे में आपको पॉट होल्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे पॉट होल्स तो दिस वी कॉल्ड एज़ अ पॉट होल्स। तो होता क्या है, एक तो आपका वाटर यहाँ से इतना ऊपर से गिरता है फर्स्ट, ठीक है, तो जब ये वाटर ऊपर से गिरेगा तो ये आपके सडनली डिप्रेशन, यहाँ वाटर बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक एक्शन, यहाँ क्या होगा, यहाँ का एब्रेजन होता है, बिकॉज ऑफ द एब्रेजन क्या, वेदरिंग होती है, इट इज अ टाइप ऑफ वेदरिंग, ओके। यहाँ बिकॉज ऑफ द एब्रेजन यहाँ आपका वाटर आया, फिर यहाँ से इरोजन किया और जो सेडिमेंट्स आए थे वो भी यहाँ इरोड कर रहे हैं और आपके जो स्मॉल डिप्रेशन इसको बड़ा 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 कर रहे हैं, ओके। तो ये जब इसकी लार्ज साइज होगी तो दैट वी कॉल्ड एज द, इसको हम पॉट होल्स कहते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ योर रिवर वाटर एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ सेडिमेंट प्रेजेंट इन दैट, एंड दैट वाटर एंड एज वेल एज द सेडिमेंट क्या करेंगे, उसको कट करते 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 उसको एक छोटा सा डिप्रेशन बनाते हैं, दैट डिप्रेशन वी कॉल्ड एज द पॉट होल्स, उसे हम पॉट होल्स कहते हैं, ठीक है। Because steam erosion aided by the abrasion and rock fragments. और वही कहा है कि steam erosion जो होगा aided by the abrasion, जो भी आपके rock fragments होंगे ये उसको abrasion of rock fragment, ये rock fragments इसको erode करेंगे, ठीक है। Potholes are less or semi circular, ये जो होगा आपका थोड़ा circular और semi circular आपको देखने को मिलता है over the rock beds of hill slopes. Okay. At the foothills of waterfall also large potholes. Quite deep and wide and form rotation of boulders. These deep and large holes at the base of waterfall are referred to as plunge pool. Okay. So at the foothills of your क्या कहा उन्होंने waterfall. यहाँ क्या होता है कभी कभी जब आपका, मैंने कहा था कि ये आपका इसको हम overhang कहते हैं, जो overhang टूट जाएगा after the कि आपको ये ओवर जो बहुत पीछे जाता था overhang टूट जाता है और नीचे गिरते हैं different type large size of boulder. जब ये large size of boulder नीचे गिरेंगे तो ये ज्यादा इरोजन करेंगे आपके सरफेस का, जो भी आपका रिवर बेड होगा इसका ज्यादा इरोजन करेंगे, और जो भी आपका पॉट होल्स था इसको, जो भी छोटा पॉट होल्स इसको और बड़ा इनलार्ज करेंगे आपके जो बोल्डर्स होते हैं, ओके, जो आपके फुट हिल्स ऑफ सॉरी फुट फुट के वाटरफॉल के फुट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
सो वही उन्होंने कहा है कि जो वाटरफॉल इज लार्ज पॉट होल्स क्वाइट डीप, ये थोड़े डीप होते हैं एंड वाइड होते हैं फ्रॉम द रोटेशन ऑफ अ बोल्डर्स. ओके, जो भी आपके पॉट होल जो होता है ये अगर इनलार्ज हुए तो दैट कन्वर्टेड इनटू देयर प्लंज पूल. जो भी आपका स्विमिंग पूल होता है उसे हम प्लंज पूल कहते हैं. सॉरी, जो स्विमिंग पूल होता है इट इज लुकिंग लाइक दैट. ओके, दिस डीप एंड लार्ज होल्स एट दिस बेस ऑफ वाटरफॉल रेफर्ड एज द प्लंज पूल. ओके, सो अगर आपका ये पॉट होल्स अगर बहुत बड़ा लार्ज हो गया लाइक दिस, अगर आप यह डायग्राम देखोगे तो दिस वी कॉल्ड एज द प्लंज पूल. और ये आपके जो वाटरफॉल होता है इसके बेस में और इसके फुट में फॉर्मेशन होता है. ओके, बिकॉज ऑफ द लार्ज बोल्डर यहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपके पॉट होल्स को ही और अगर लार्ज करते हैं और कुछ आपके पॉट होल्स कोलेशंस हो जाते हैं इन बिटवीन अस, तो उसको हम प्लंज पूल कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट लैंडफॉर्म आर ऑफरिंग इन यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर. सो यू हैव टू नो कि कौन कौन से लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं. ओके, सो यू हैव टू नो कि पहले हमने देखा कि बीच पहले ये गॉर्जेस है, कैनाल्स है, वाटरफॉल्स है, रैपिड्स है, कैटरैक्ट है, पॉट होल्स है, प्लंज पूल्स है. ये भी हमने कहा देखे इन अ यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर. ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा. तो हम पहले मैच्योर स्टेज कंप्लीट करते हैं, ओल्ड स्टेज हम बाद में कंप्लीट करेंगे. सो जब हम मैच्योर स्टेज में आते हैं तो आपको मालूम है कि आपका डिस्चार्ज हाई हो जाता है. अभी तक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो शुरुआत से देखा हो तो डिस्चार्ज आपका हाई होता है. और आपका यहाँ क्या होता है, लैटरल इरोजन इज ग्रेटर देन कंपेयर टू द वर्टिकल इरोजन यहाँ होता है. तो आपका यहाँ लैटरली रिवर ज़्यादा कट करती है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि लैटरल कोरेजन टेंड्स टू रिप्लेस द वर्टिकल कोरेजन. वही मैंने आपको, तो वैली आर अ स्टील वी शेप बट वाइड एंड डीप ड्यू टू द एक्टिव इरोजन ऑफ द बैंक्स. तो वैली जो होगी वो स्टील वी शेप होगी, बट वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी एंड डीप हो जाएगी ड्यू टू द इरोजन ऑफ अ बैंक्स. तो क्या बोल रहे हो, जब आप मैच्योर स्टेज में आओगे तो वी शेप वैली तो शेप उसका वी रहेगा लेकिन वो थोड़ी ज्यादा वाइडन हो जाएगी क्योंकि आपका लैटरल इरोजन ज्यादा हो रहा है यहाँ, बिकॉज आपकी वी शेप वैली थोड़ी सी वाइडन होते जा रही है बिकॉज ऑफ द वहाँ इरोजन एक्टिव है. ठीक है, और वाइड भी होती है और डीप भी होती है. स्वैम्स एंड मार्शेस ऑफ अ यूथ स्टेज एज वेल एज अ फ्लैट एंड ब्रॉड इनर स्ट्रीम्स एरिया डिसअपीयर. जो भी आपके स्वैम्स एंड मार्शेस इन्वायरमेंट हो, जब मैंने आपको बताए थे पहले, वो क्या जाएंगे, डिसअपीयर हो जाते हैं जब आप मैच्योर स्टेज में आओगे. द स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न शार्प, वाटरफॉल एंड रैपिड डिसअपीयर. जो भी आपके वाटरफॉल हो गए रैपिड्स हो गए डिसअपीयर, बिकॉज वाटरफॉल एंड रैपिड आपको कहाँ मिलते हैं, यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर में मिलते हैं, जहाँ आपका different type of a highest gradient steep slope होता है आपके इस stage. Meander and slip off slopes are the characteristic feature of this stage. जो भी आपका meander होता है और slip off slope में आपको आगे जाके बताऊंगे what is slip off slope, ये आपको कहाँ मिलता है आपके mature stage of a rivers में देखने को मिलता है. Okay, so ये ध्यान में रखिए कि mature stage में आपको कौन कौन से, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि meandering मिलता है, alluvial fans मिलते हैं, लेकिन वहाँ एक आपको और एक लैंडफॉर्म मिलता है दैट वी कॉल्ड एज द इनसाइज एंड इंट्रेंचमेंटर बोल के एक टर्म है. आपको इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसआई में, नेट में, सेट में, आईआईटी एग्जाम में भी पूछा जाता है. सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द इनसाइज एंड इंट्रेंचमेंटर. ओके, सो इनसाइज एंड इंट्रेंचमेंटर आर फाउंड इन द कट ऑफ अ हार्ड रॉक्स. ये आप पहले ध्यान में रखिए, जो भी आपके इंट्रेंच एंड इंसाइजमेंटर होंगे ये आपके हार्ड रॉक में फॉर्मेशन होते हैं एंड दे आर वेरी डीप एंड वाइड. आपके क्या होंगे इनसाइज इंटरमेंटर, तो वेरी डीप एंड वाइड होते हैं इनसाइज एंड इंटरमेंटर. ओके, तो आपको तो मालूम है आपकी मेंटरिंग का फॉर्मेशन होती है जब आप मैच्योर स्टेज में आओ, तब जाके आपकी मेंटरिंग फॉर्मेशन होगी. मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरह से कि मेंटरिंग कैसे फॉर्मेशन होती है. ओके, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि इंट्रेंचमेंटर जो होते हैं वो हार्ड रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे एंड दे आर वेरी स्टीप एंड सॉरी वेरी डीप एंड वाइड होगी. इन अ स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर अ स्टीप ग्रेडियंट्स normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel. इसमें क्या होता है, जो भी आपकी स्ट्रीम है बहुत रैपिडली फ्लो होती है ऑन द स्टीप ग्रेडियंट और वो इरोड करती है आपके बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल. अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊँ तो दो टाइप्स होते हैं दिस पर्टिकुलर, इसको हम सिंपल मेंडर कहते हैं. क्या कहेंगे, सिंपल मेंडर. वही अगर आप यहाँ जाओगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रेंच मेंडर और इनसाइज मेंडर. तो होता क्या है, जो भी सिंपल मेंडर फॉर्मेशन होती है आपके मैच्योर स्टेज की, मैं बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योर स्टेज. जो भी आपकी सिंपल मेंडर होती है इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट, इसको क्या होगा कि ज्यादा वर्टिकली कट नहीं करती. ओके, इसीलिए मैंने इसको सिंपल मेंडर कहा. लेकिन ऐसी अगर मैच्योर स्टेज में आपको अगर मेंडरिंग फॉर्मेशन होती है और जो भी आपका डिफरेंट पार्टिकल है वो बेस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और आपके बेस को बहुत इरोड करते चलता है जो भी आपके सेडिमेंट्स होंगे,
बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ इरोजन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इरोजन आपका क्या होता है, ये ज्यादा ये साइड साइडवाइज स्टीप हो जाएंगे और इसका डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और जितना आपको डेप्थ ज्यादा मिलता है इसीलिए इसको हम इनसाइज और इंट्रेंच मेंडर कहते हैं, क्योंकि ये जो रिवर ये जो मेंडरिंग फॉर्मेशन होती है ये वर्टिकली ज्यादा इरोड करती है कंपेयर टू द लैटरल वन। ओके, इसलिए इसका डीप बहुत ज्यादा होता है, आप यहाँ डायग्राम में भी एज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो इसका डीप ज्यादा है कंपेयर टू द सिंपल इरोजन। इसलिए उन्होंने कहा है कि वर्टिकल इरोजन आपका यहाँ वर्टिकली इरोड ज्यादा करती है रिवर कंपेयर टू द लैटरली, इसलिए आपको इनसाइज एंड इंट्रेंच मेंडर देखने को मिलते हैं। इंट्रेंच मेंडर आर नॉर्मली ऑकर वेयर देयर इज अ रैपिड कटिंग ऑफ रिवर बेड सच एज द रिवर डज नॉट गेट इरोड इन लैटरल सेट। मैंने वही कहा आपको, इंट्रेंच मेंडर में क्या होता है कि रैपिड कटिंग होती है रिवर बेड की, जो आपका रिवर बेड बोले तो बॉटम ऑफ द रिवर जो होगा उसके बहुत ज्यादा इरोजन होता है कंपेयर टू इट नॉट गेट इरोडेड ऑफ लैटरल साइड। ओके, वो लैटरल साइड ज्यादा नहीं कट करेगी, कौन सी कट करेगी, वर्टिकली इरोजन ज्यादा करेगी, इसलिए आपको जो इंट्रेंच मेंडर होता है ये वर्टिकली इरोड बहुत ज्यादा, इसलिए उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द क्या कहेंगे उसको हम सिंपल मेंडर कहते हैं। ये बेस लेवल कंसेप्ट में आपको लास्ट में सिखाऊंगा व्हाट इज द बेस लेवल। ये बेस लेवल बोले तो क्या, इसके नीचे आपकी स्ट्रीम इरोड नहीं कर सकती है, दैट वी कॉल इज द बेस लेवल। कौन सी भी स्ट्रीम होगी, एक बेस लेवल होता है अल्टीमेट बेस लेवल और टेम्पररी बेस लेवल, अल्टीमेट बेस लेवल वी कॉल इज द सी लेवल, मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन अभी इतना फिलहाल ध्यान में रखिए कि ये जो बेस लेवल होता है इसके नीचे आपकी स्ट्रीम इरोड नहीं कर सकती है, इसलिए उसको हम बेस लेवल कहते हैं। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड। सो आपको होप सो आपको इनसाइड एंड इंटरमेंट का समझ में आया हो। देन आपका इंपॉर्टेंट एल्यूअल फैन, इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है आपका मैचोसेट का, दैट वी कॉल इज द एल्यूअल फैन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एल्यूअल फैन, हम किसे कहते हैं। सो एल्यूअल फैन क्या होता है, अ फैन इज अ फ्लूअल लैंडफॉर्म, सॉरी फ्लूअल डिपॉजिट दैट एक्यूमुलेट एट द बेस ऑफ अ स्ट्रीम वेयर फ्लो ऑफ आउट स्टीप ग्रेडियंट एंड एंटर इन द लोअर ग्रेडियंट फ्लड प्लेन और वैली सेटिंग। तो क्या होता है कि फैन जो मतलब फैन शेप फ्लूअल डिपॉजिट जो फॉर्मेशन होते हैं वो बेस ऑफ द हिल्स फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका हिल है, दिस इज योर हिल्स, और ये क्या अभी सेडिमेंट, अभी जो भी रिवर आती है वो क्या करती है आपका सेडिमेंट लेके आती है खुद के साथ। अभी ये क्या होता है, देयर इज अ टू कंडीशन टू फॉर्मेशन ऑफ योर एल्यूअल फैन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी आपकी रिवर आएगी तो ये स्टीप ग्रेडियंट, जब भी आपकी रिवर आती है मैंने आपको बताया था कि पहले स्टीप ग्रेडियंट होगा ऐसा, फिर जेंटल ग्रेडियंट होता है और फिर फ्लैट ग्रेडियंट होता है, फिर थोड़ा सा जेंटल और फ्लैट। लेकिन एल्यूअल फैन फॉर्मेशन होने के लिए होता क्या है कि आपका ये स्टीप से आप डायरेक्ट फ्लैट एरिया में आते हो, तो आपका क्या हो जाता है, सडन ग्रेडियंट चेंज होना इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर एल्यूअल फैन। क्या होगा, स्टीप में आपका आ रहा है रिवर और डायरेक्ट फ्लैट एरिया में आ गया, तो क्या होगा, उसको सरप्राइज मिल गया ना कि सडन वो फ्लैट एरिया में आ गया, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, ये फर्स्ट थिंग हुई। और सेकंड थिंग क्या होती है, जो भी आपकी रिवर यहाँ से फॉर्मेशन होती है आपके हिली टेरेन से, इसमें मोर सेडिमेंट लोड होता है, क्या होगा, मोर सेडिमेंट लोड होगा, वो रिवर उसके कैपेसिटी से ज्यादा सेडिमेंटेड सेडिमेंट कैरी करेगी, तो क्या होगा कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वो रिवर उसके कैपेसिटी से ज्यादा अगर सेडिमेंट कैरी करती है एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग की वो स्टीप स्लोप से डायरेक्ट फ्लैट सोर्स की उसको ग्रेडियंट डायरेक्ट सडन चेंज हुआ, तो जो भी उसने सेडिमेंट लाए वो क्या कर देगी, डिस्पर्स कर देगी एज अ शेप ऑफ अ फैन, डिपॉजिट कर देगी वहां जाके, कहा आपके हिल्स के जो आपका फुट हिल्स है वहां जाके पूरा का पूरा वो डिपॉजिट कर देती। तो जैसे मैंने आपको कहा वही होता है कि उसको सडन ग्रेडियंट चेंज होगा, आपके जो आपका स्लोप है उसका ग्रेडियंट सडनली चेंज हुआ, डायरेक्ट स्टीप टू फ्लैट बॉटम आया, पहले जेंटल था अगर आप और देखते हो नॉर्मली, और सेकंड अगर आपकी रिवर कैपेसिटी से ज्यादा सेडिमेंट लोड लेके आती है, जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ पूरा का पूरा क्या कर देगी, यहाँ डिपॉजिट कर देगी सेडिमेंट्स। ओके, तो ये आपका यहाँ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हो जाता है और ये लाइक लुकिंग लाइक अ फैन होता है, इसलिए हम एल्यूअल फैन कहते हैं इसे। ओके, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, चेंज इन द फ्लूइड वेलोसिटी रिड्यूसेस द सेडिमेंट लोड एंड डिपोजिशन। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी चेंज रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर फ्लैट एरिया में अगर आप स्टीप से आ रहे हो तो आपकी ऑफकोर्स ये आपकी फ्लूड वेलोसिटी जो भी आपका वाटर होगा उसका रिड्यूस हो जाएगा, और सेडिमेंट लोड फोर्सेस डिपॉजिशन। अगर वेलोसिटी चेंज होती है आपकी तो वो क्या करेगा, जो भी इसने सेडिमेंट लेके आए ये क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। कॉमन इन अरिड इन्वायरमेंट्स विद द हाई सेडिमेंट लोड एंड मिनिमल वेजिटेशन। तो आपको ये जो भी एल्यूअल फैंस मिलता है ये आपको फ्लूओ एवलियन लैंडफॉर्म है, वैसे तो
लेकिन ये आपको कॉमनली अरिड रीजन पे ज्यादा देखने को मिलता है एल्यूवियल फैन, ओके, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एओ सॉरी फ्लुओ एवुलियन लैंडफॉर्म, ओके। सो कॉमन आपको ये एल्यूवियल फैन कहाँ देखने को मिलता है, आपके अरिड रीजन में देखने को मिलता है, विद हाई सेडिमेंट लोड एंड मिनिमल वेजिटेशन। वो आपको सेडिमेंट्री लोड हाई मिलेगा और कम वेजिटेशन मिलता है, बिकॉज डेजर्ट में आपको वेजिटेशन कम ही मिलता है, ओके। देन अगर हम और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एल्यूवियल फैन और एल्यूवियल कोन को, तो होता क्या है कि एल्यूवियल फैन जो होते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द ईयर इज ईयर, तो हम इसको फाइन सेडिमेंट का, ओके। और एल्यूवियल कोन में आपको सी फॉर कोर सेडिमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसमें ज्यादा फाइन सेडिमेंट है, इसलिए वजह से आपका जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 1 or 5 degree होता है, ओके। यहाँ डिग्री मेंशन नहीं करेगा, यहाँ डिग्री है। तो ये क्या होता है, आपका जो एल्यूवियल फैन होता है इसका अगर स्लोप देखे तो ये जेंटल आपको देखने को मिलता है। वही अगर आप एल्यूवियल कोन देखो तो एल्यूवियल कोन का स्लोप आपको कितना मिलता है, 15 degree, तो ये थोड़ा बहुत आपको स्टीप देखने को मिलता है, बिकॉज कोर्सर सेडिमेंट गेट डिपॉजिटेड इन योर एल्यूवियल कोन। सो एक बेसिक डिफरेंस आपको इसका एंगल का हमेशा पूछा जाता है कि किसमें कितना एंगल है, कौन सा जेंटल है, कौन सा स्टीप है, और किसमें ज्यादा कोर्सर सेडिमेंट है और किसमें फाइनर सेडिमेंट है। एट अ फुट हिल्स ऑफ हिमालय ग्रेवल पेबल कोबल सिंगल डिपॉजिटेड दैट फीचर्स भी कॉल है। तो बाबा अगर मैं आपको आगे जाके और दिखाता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो कि ये तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एल्यूवियल कोन एंड एल्यूवियल कैन, फैन एंड कोन। लेकिन अगर हम और डेप में जाते हो तो देयर इज ऑल्सो वन डेब्रिस फ्लो प्लान होता है और एक होता है आपका शीट फ्लड फ्लो प्लान। तो कुछ नहीं होता है कि इसमें क्या है फर्क, कि आपको तो मालूम है रिवर तो एक बार नहीं आती, पहले तो रिवर में आया, पहले यहाँ फैन फॉर्मेशन कर दिया, दोनों तरफ से यहाँ पहले फैन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सिर्फ फैन। तो यहाँ क्या होता है कि अगर आप डेब्रिस फ्लो एंड लोब्स एंड यहाँ क्या देखते हैं आप, यहाँ आपको ज्यादातर आपको डेब्रिस, अगर मैंने कहा तो डेब्रिस का मीनिंग क्या होता है, वेरिएशन ऑफ ग्रेन साइज। क्या होगा, वेरिएशन ऑफ आपको ग्रेन साइज देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ ग्रेन साइज बोले तो क्या, डिफरेंट लार्ज साइज ऑफ सेडिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और वही अगर आप शीट फ्लड की तरफ आते हो तो आपको यहाँ फाइनर पार्टिकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, फाइनर पार्टिकल रिवर ज्यादा इरोड करके लेके आती है, और ये जो डेब्रिस फ्लो फैन होती है इसमें कोर्सर पार्टिकल ज्यादा लेके आती है। तो ये जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है, ये तो आपका एल्यूवियल फैन पहले फॉर्मेशन हो चुका है, एक रिवर ने इसको एल्यूवियल फैन फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ क्या होता है, जितना भी अमाउंट ऑफ कोर्सर सेडिमेंट आप देखते हो यहाँ, तो आपको क्या मिलता है कि जितना कोर्सर सेडिमेंट होगी उतना आपके जो आपका फैन है उसका जो एरिया है वो कम ऑक्यूपाई करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपके एरिया को। जितना ज्यादा कोर्सर सेडिमेंट क्या होते हैं कि इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, इसकी वजह से ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता है। वही अगर आप सस्पेंडेड पार्टिकल देखोगे या जो भी आपके फाइनर पार्टिकल है, इसलिए आपका यहाँ आप देखते हो इसकी रेडियस 1 to 10 square kilometers है, इसका रेडियस देखो कितना है, बहुत बड़ा है, बिकॉज इसमें आपको फाइनर पार्टिकल और फाइनर पार्टिकल बहुत आगे जाके ट्रांसफर होके सेटल डाउन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लेस डेंसिटी ऑफ फाइनर पार्टिकल। और जो भी आपके कोर्सर पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ज्यादा यहाँ ज्यादा ये एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, ओनली 100 meters का एरिया ये स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, बिकॉज ऑफ द कोर्स सेडिमेंट्स आर इजीली सेटल डाउन नियर टू द फुटहिल्स, ओके। तो ये एक पार्ट हो गया। लेकिन डेब्रिस फ्लो फैन बोले तो क्या कि आपका एक पहले ही मैं आपके 2 minutes में क्लियर करता हूँ, यहाँ डेब्रिस फ्लो फैन बोले तो क्या, जो भी आपका यहाँ थिंग है कि ये यहाँ से फैन आएगा सर, यहाँ ये फैन सर एक डिपोजिशन हो गया, फिर से अगर रिवर लेके आती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स विद इन द वाटर, तो इस पे और एक फैन फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इस पे जो फैन फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होता है, इसको बिकॉज ऑफ द फाइनर पार्टिकल यहाँ कुछ शीट्स तैयार होती है, तो दैट शीट वी कॉल्ड एज द शीट फ्लड फैन, उसे कहते हैं। और डेब्रिस बोले तो क्या कि डेब्रिस इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सेडिमेंट्स, और वो क्या करेगा, जो भी सेडिमेंट लेके आए एज अ लाइक अ लोब्स तैयार करता है यहाँ ऑन द योर फॉर्मर एल्यूवियल फैन। तो यहाँ क्या करेगा, लोब्स तैयार करेगा, और जो भी आपके फाइन पार्टिकल है ये बिकॉज ऑफ द फाइन पार्टिकल यहाँ जब आते ही है, तो ये क्या करते हैं आपका डिफरेंट शीट्स तैयार करते हैं, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन और स्मॉल शीट्स दैट वी कॉल्ड एज द शीट फ्लड, ओके। इसको हम शीट फ्लड प्लान कहते हैं और इसको डेब्रिस फ्लड प्लान कहते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया भाई, ओके। सो दिस वी कॉल्ड एज द शीट फ्लड प्लान एंड डेब्रिस फ्लो प्लान। तो डेब्रिस बोले तो जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन साइज ऑफ सेडिमेंट है, और वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपके एल्यूवियल फैन को,
और जो भी आपका स्ट्रीट फ्लड प्लान है, ये स्ट्रीट फ्लड प्लान करेंगे आपके इसको बिकॉज ऑफ द फाइनर पार्टिकल्स आर देयर, सो ये उसका ज़्यादा प्रोग्रेडेशन होगा आपके एल्यूअल फैन का, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैं इसके डायग्राम, वन मिनट डायग्राम दिखाता हूँ, सो आप याद रख सकते हो कि डेब्रिस फ्लो फैन इज एल्यूअल फैन एंड एक स्ट्रीट फ्लड डिपॉजिट है। तो जो भी आपके स्ट्रीट फ्लड फ्लो होते हैं, ये क्या होते हैं कि वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं। जो भी आपके फाइन पार्टिकल्स होंगे वो कभी भी आपके लेयर बाय लेयर, आपको अगर ये पिक्चर दिख रहा होगा क्लियर, तो आपके लेयर बाय लेयर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी होते हैं दैट वी कॉल इट द स्ट्रीट फ्लड डिपॉजिट्स ऑन द एल्यूअल फैन शोइंग वेल डेवलप्ड स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? द लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। जो भी आपके सेडिमेंटरी रॉक होते हैं वो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होते हैं, दैट वी कॉल इट द स्ट्रैटिफिकेशन और दैट वी कॉल इट द स्ट्राटा, ओके। सो ये इसको हम कहते हैं स्ट्रीट फ्लड प्लेन डिपॉजिट, जो आपके इट इज अ मेडअप ऑफ फाइनर पार्टिकल्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो डेब्रिस फ्लो एंड एल्यूअल फैन द कॉन्ग्लोमेरेट्स पुअरली सॉर्टेड विद अ लार्जर क्लास्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ अ फाइनर सेडिमेंट। यहाँ क्या हुआ, डेब्रिस फ्लो मैंने कहा था कि वेरिएबल साइज से बना होता है। अगर वहाँ आपको वहाँ तो आपको स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आपको नंबर ऑफ वेरिएबल साइज ऑफ सेडिमेंट्स है। और इन्होंने क्या कहा है, आप यहाँ देख सकते हो एक बड़ा एक क्लास्ट, क्लास्ट बोले तो आपका एक बड़ा लार्ज सेडिमेंट है। दैट लार्ज सेडिमेंट इज सराउंडेड बाय फाइनर पार्टिकल। जो भी आपके फाइनर पार्टिकल हो गए ये क्या करेंगे, दैट फाइनर पार्टिकल वी कॉल एज द मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये सेंटर ऑफ द जो है आपके लार्ज क्लास, तो लार्ज कर सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं डेब्रिस फ्लो फ्लड प्लान। एंड दैट आर लार्ज क्लास कॉम्प्लेक्सली सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स बाय द फाइनर सेडिमेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेब्रिस फ्लो कहते हैं और इसे हम शीट फ्लड कहते हैं। ऐसे आपको डिफरेंट क्या बोलेंगे, आपको सेडिमेंट्स, वहाँ सेडिमेंट जो डिपॉजिट होते हैं, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ आपके एल्यूअल फैन फॉर्मेशन होते हैं। सो एक मैं आपको बोलना का रहेगा कि एट फुटहिल्स ऑफ हिमालय ग्रेवल्स पेबल्स एंड कोबल्स सिंगल डिपॉजिट एट द फीचर कॉल्ड एज द बाबर्स। जब आप फुटहिल्स पे आते हो तो हिल्स फुटहिल्स पे आने के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोबल्स पेबल्स देखने को मिलते हैं। तो ये कोबल्स मेबल्स एक आपका एक एरिया बनता है, दैट एरिया वी कॉल एज द भाबर, ओके। अगर आपको मैं डायग्राम देखो तो आप ये डायग्राम अच्छी तरह से, देर इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप लाइक भाबर, तेराई, खादर, भंगार और ये आपकी रिवर वैली। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन से आपके जब हिमालय से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है और वो जब आपके लो लाइन एरिया में आती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स ये लाइक भाबर, तेराई, भंगार आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो भाबर क्या है बेसिकली, कि भाबर जो भी आपके सेडिमेंट इरोड के नीचे आते हैं वो लार्जर साइज ऑफ अ बोल्डर, और अगर आप यहाँ भी देख सकते हो लार्जर साइज ऑफ बोल्डर एंड जो भी आपके छोटे छोटे कोबल पेबल से बोल्डर से, इससे एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, दैट लैंडफॉर्म वी कॉल एज द भाबर। और ये आपको बेसिकली आपके फुटहिल्स में देखने को मिलता है, ओके, जहाँ आपका रिवर ये सब इरोड करके लेके आते हैं। और अगर मैं आपको खादर की बात करूँ तो खादर क्या है, खादर इज अ कंपोज ऑफ न्यूअर एल्यूम एंड फॉर्म्स द फ्लड प्लेन अलॉन्ग द रिवर बैंक, एंड भंगार इज अ ओल्डर एल्यूम अलॉन्ग द रिवर बेड फॉर्मिंग टेरेसेस हायर देन द फ्लड प्लेन। तो होता क्या है कि जो हम देख रहे हैं जो भंगार है और जो खादर है, खादर क्या बना है उन्होंने, इट इज अ न्यूअर एल्यूम, ओके। ये आपका रिवर चैनल है, ये आपका रिवर चैनल है और ये रिवर चैनल में आपको जो भी आपका जब इसमें फ्लड आता है, तो जब ये जब फ्लड आएगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स यहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं नियर टू द चैनल। जब ये नियर टू द चैनल डिपॉजिट होंगे तो वो जो भी सैंड पार्टिकल होता है, दैट सैंड पार्टिकल और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल वी कॉल्ड एज द एल्यूवियम, ओके। सो अगर ये नियर टू द चैनल है तो नियर टू द चैनल को हम उसको खादर कहते हैं, और वही अगर ये आपके अवे फ्रॉम द चैनल है तो इसको हम भंगार कहेंगे। अगर आप इसका ग्रेडियंट का देखोगे तो खादर में थोड़ा सा जो आपका एलिवेटेड पार्ट आपको दिख रहा है बिकॉज दैट आर फॉर्मेड वेरी नियर टू द चैनल, और जो भी आपका भंगार है दैट भंगार इज अवे फ्रॉम द चैनल, और उसको हम ओल्डर एल्यूम भी कहते हैं। एंड दैट ओल्डर एल्यूम अलॉन्ग द रिवर बेड फॉर्मिंग अ टेरेसेस हायर देन द फ्लड प्लेन, ओके। सो ये थोड़े हायर देन द फ्लड प्लेन भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये तेराई है, दैट तेराई बोले तो क्या, जहाँ आपको ज़्यादातर वेजिटेशन देखने को मिलता है, ओके। दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल द तेराई, जो आपके भाबर के बाद आता है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाते नहीं, लेकिन वो जो एक टर्म आया था इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। सो होप्स आपको जो यूथ स्टेज मैच्योर स्टेज ऑफ द लैंडफॉर्म लाइक एल्यूअल फैन ये समझ में आया होगा, व्हाट इज द इन साइज, व्हाट इज इंटरेज मेंडर। सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी मेंडरिंग कैसे फॉर्मेशन होती है और विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म यू गेट इन द ओल्डर स्टेज ऑफ रिवर, वो हम देखेंगे, ठीक है। जल्दी मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।